दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में 1 महीने का रिचार्ज कराया और आपको उसके अंदर वैलिडिटी मिली सिर्फ 28 दिन की। दोस्तों, ये बात हो चुकी है पुरानी, क्योंकि BSNL की वजह से अब आपको वैलिडिटी पूरे 1 महीने की मिलने वाली है। 1 महीना मतलब 31 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ प्लान अब लेके आ चुका है जियो आपके लिए, जो कि सिर्फ लाया है BSNL की वजह से। अब ये BSNL की वजह से क्या है, क्या ये माजरा है, और क्या बाकी कंपनी जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के ये भी ऐसे प्लान्स लेके आएंगे जिसमें आपको 31 दिन की वैलिडिटी मिले, बात करेंगे आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऐसी है ना कि लाइक बनता है भाई। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस को लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम अपने किसी सिम कार्ड में रिचार्ज कराते हैं 1 महीने का, तो भाई बोलते तो 1 महीने का, लेकिन जो वैलिडिटी मिलती है भाई वो मिलती है सिर्फ 28 दिन की। यानी कि 28 दिन का आपको जो है सिर्फ रिचार्ज मिलता है, और पैसे तो आप 1 महीने करके ही देते हैं। अब अगर देखा जाए तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और उसके अंदर आप जो रिचार्ज कराते हैं ना भाई, वो आप कराते हैं 13 महीने का, समझ रहे हो। 1 साल में महीने तो होते हैं 12, लेकिन कंपनीज़ आपसे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़, वो आपसे 13 महीने का रिचार्ज करा लेते हैं। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा खा रहे हैं लोग। तो इस चीज़ को देखते हुए अब जो BSNL की बात करें हम, अगर BSNL आपसे कह रहा है कि वो आपको किसी प्लान में 1 महीने का वैलिडिटी देगा, 1 महीने की वैलिडिटी देगा, तो वो सच में 1 महीने की ही वैलिडिटी आपको देगा। आप BSNL का प्लान चेक कर लीजिए, आपको 31 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। अब इसी चीज़ से लोग परेशान थे जब ये पैसे बढ़े थे 20 से 25% सभी रिचार्ज पे सभी प्राइवेट कंपनीज़ के। तो भाई लोगों ने देखा कि भाई BSNL में जो प्लान्स है भाई, वो तो 31 दिन के हैं, और 31 दिन 1 महीना ही होता है BSNL के हिसाब से। उनके हिसाब से जो महीना है वो 31 दिन का ही होता है, लेकिन बाकी कंपनीज़ के हिसाब से सिर्फ 28 दिन का होता है। तो लोगों ने ट्राई से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स की कि भाई ऐसा अलग अलग क्यों है। BSNL है वो आपको 31 दिन की वैलिडिटी दे रहा है, लेकिन बाकी जो प्राइवेट कंपनीज वो आपको 28 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं। जिसकी वजह से भाई ट्राई ने सभी कंपनीज़ को, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको ऑर्डर दिया, सभी कंपनीज़ को, जो जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं सभी को एक एक प्लान तो ऐसा निकालना ही पड़ेगा कम से कम, जिसके अंदर उनको अपने कस्टमर्स को 31 दिन की वैलिडिटी के साथ में एक प्लान देना पड़ेगा। यानी कि अगर मंथ आप बोल रहे हो तो मंथ का मतलब 31 डे होना चाहिए। जिसके बाद में अब जियो एक प्लान लेके आ चुका है। हालांकि काफ़ी महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी चलिए लेट आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आए जरूर। तो एक प्लान लेके आ चुका है जियो, जिसके अंदर आपको 259 रुपीज़ में मंथली वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि 259 रुपीज़ में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, जिसके अंदर आपको 1.5 GB डाटा पर डे दिया जाएगा, पर डे 100 SMS दिए जाएंगे, और अनलिमिटेड कॉलिंग भी आपको मिलेगी। यानी कि 259 रुपये में आपको पूरा प्लान देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तो बात हो गई जियो की, जियो के अंदर आपको मिल रहा है, आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं, जियो के ऐप में आपको दिख जाएगा। बाकी पेटीएम, गूगल पे वगैरह मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हाँ जियो के ऐप में आपको दिख रहा है, तो वहाँ से आप इसको करा सकते हैं। बाकी जगह आप ट्राई कीजिए, अगर मिलता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की, क्या ये करेंगे। वोडाफोन, आइडिया तो एक ही हो चुका है VIM, एयरटेल की तो ये कंपनी, इसको भी करना तो है ही, क्योंकि ट्राई का आदेश है तो करना तो है ही। और अब जियो ने यार कर दिया है, तो भाई अब तो प्रेशर उस पर उन कंपनीज पर और ज़्यादा आ गया कि उनको भी जल्दी से करना ही पड़ेगा। तो करेंगे तो वो भी, लेकिन अब कब करेंगे ऐसी तो कोई डेट नहीं है कन्फर्म, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे लगता है अब जियो ने कर दिया तो बहुत जल्दी वो लोग भी अपना अपना एक एक प्लान्स लॉन्च कर देंगे। तो एटलीस्ट आपके पास प्राइवेट कंपनीज में एक एक रिचार्ज तो ऐसा है जिसके अंदर आपको 31 डेज़ की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, यानी कि कस्टमर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है ही। अब बस दोस्तों एक बात तो याद रखना कि ये चीज़ें जो हुई है ना 1 महीने के रिचार्ज, भाई ये BSNL की वजह से ही हुआ है। अगर BSNL नहीं होता ऐसा तो होने वाला ही नहीं था, क्योंकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं, और जाता भी तो फिर उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था BSNL का, तो इस वजह से उन्होंने ट्राई को कंप्लेंट की और ट्राई ने भी कुछ किया। तो इनका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ भाई BSNL को। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो न्यू अपडेट है या जो न्यूज़ है भाई कि 1 महीने का चार्ज होने वाला है, या फिर जैसे जियो में हो गया भाई कंपनीज में होने वाला है, आपको न्यूज़ कैसे लगी मुझे कमेंट करके जो नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आते रहता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।